वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए के लेके आए हैं मैथ्स का, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा सवाल ये है, किसी कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ जाती है, ठीक है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद यह कितनी होगी। एक तो हमारा फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा, हम उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा एक चीज़ है कि इसमें हर 4% अगर बढ़ रहा है तो ये उस वृद्धि में कि हर 4 साल इंक्रीमेंट होते जा रहा है, ठीक है, हर 4 साल बढ़ रहा है, तो एक तरह से ये मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल। तो इसका तरीका निकालने क्या क्या है कि हर 4th साल में कितना इंक्रीमेंट होगा, ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, कितना इंक्रीमेंट हुआ है। पहला x में हुआ 4, दूसरा में भी हुआ 4, फिर हुआ 4 × 4/100, ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा आपका 0.16, क्यों कि 16 है, 16/100 हो गया आपका 0.16, तो ये आ गया आपका 8.16, ठीक है। तो 8.16 हमारा वृद्धि हो गया परसेंट 2 साल। तो पहले था 50,000, तो 50,000 का अगर 8.16% हम लोग निकाल लेंगे तो हमारा कितना वृद्धि हुआ ये मिल जाएगा। 100 से ये कट गया, अब 2 जीरो इसके लिए आएंगे तो ये भी 2 जीरो हट गए, तो बचा सिर्फ 5 × 816। तो अगर इसे हम लोग गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4080, ये हमारा आया, ठीक है। तो अब ये इतना वृद्धि हुआ, पूछा है 2 साल बाद होगा कितना, तो 2 साल बाद कितना होगा, मतलब 50,000 प्लस 4080, तो अगर इसे हम लोग ऐड करेंगे तो 5480, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो अगर आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन के डाउट हो, कोई भी एग्जाम्स के डाउट हो, तो आप प्लीज़ हमें हमारे फेसबुक पेज पे मैसेज करें या हमें इस कमेंट में बताएं, आपको डेफिनेटली हम सॉल्यूशंस भेजने का कोशिश करेंगे, और यहाँ तक कि विद इन 24 आवर्स आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं कि जैसे ही कोई वीडियो हम पोस्ट करें आपके पास पहुँचे। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।